गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत बढ़िया। और आज सुबह सुबह से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 7 o'clock और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मतलब रोज़ की तरह मैंने नहा लिया है और मयन भी उठ गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके पापा भी उठ गए हैं और चाय हमारी बन गई है। चाय लेके आओ इधर। तो गाइस, सुबह सुबह देखो आज क्या हो गया। आज मेरा जो ये है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए, आप लोग को भी दिखाया जाए। पता नहीं क्या हुआ, पहले तो ठीक था मैं जब उठी थी, जब मैं नहाने गई उसके बाद मेरे जो है, ये देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है। पता नहीं किसने मुझे काट दिया यहाँ पे, है ना। ये देखो गाइस, तो गाइस पता नहीं किस कीड़े ने काट दिया, ये देखो पूरी स्वेलिंग हो गई है। मोटा मोटा लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, मोटा। तो पता नहीं गाइस, देखो कब तक ठीक होता है। तो अभी तो पीते हैं फिलहाल चाय, फिर मिलते हैं आपको। परसों? अभी परसों, परसों क्या पता नहीं क्या है फ्रेंड्स। चलो गाइस, होने लगी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं प्याज के परौठे, ये देख सकते हैं, ये इसका मसाला। और यहाँ पे ये जो है बन रहा है मयूर के स्कूल के लिए टिफिन में। गाइस, अब मैं ब्रश करने लगा, क्या मम्मी खाना बनाने लग गया। मैं स्कूल के लिए नया पराठा, हाय हाँ, और मैं बुला कर एक बार मैं रेडी होता हूँ, फिर थोड़ा खाएंगे लंच। मैं आपको बाद में रहता हूँ, हाथ में धोने के बाद फिर खाना खाने के लिए मिलूंगा लंच में। बाय। तो गाइस, अब मैं ब्रेकफास्ट खाने लग गया हूँ। मम्मी, तो गाइस सुबह से जो है, आज मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों को। और शाम के फ्रेंड्स 4:15, अभी हम लोग आप देख सकते हैं गाड़ी में है, मैं हूँ, मयन है और उसके पापा। और गाइस, गर्मी इतनी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा। बाप रे, कल रात तो इतनी भयंकर बारिश हुई थी फ्रेंड्स। रात के 1:30 बजे हम लोग उठे थे, मतलब हमारा पीछे जो 1:30 बजे, हाँ, तो 1 o'clock हो रहा था उस टाइम पे, रात के 1 बज रहे थे सुबह। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे हम लोग उठे थे, मौसम काफी खराब था, तो रात में कल बारिश हुई थी और अब जो है गर्मी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। ये पतला सा स्वेटर मैंने पहना हुआ है, इससे भी काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। और सॉक्स भी पहने हुए हैं, अभी मुझे लगता है ये खोलने पड़ने, गर्मी बहुत हो गई है भाई, गर्मी स्टार्ट हो गई है अब। देखो ना, मैं तो वो वाला बेच लग रहा है, ये पहन के देखो, ट्राई करो, पर ये मैला जब बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये देखो टू, हाँ वाइट, पहन के ट्राई करो पहले, साइज नहीं होगा, लग तो अच्छा लग रहा है, तो सही जूता तो अच्छा लग रहा है ना तेरा, यहाँ तक आ रहा, लेकिन यहाँ तक लेना, ब्लैक वाला ट्राई करो, ये वैसा ही लग रहा है, सही दे दो, इसी में छोटा दे, इसी में निकाल दो फिर छोटा, ना वही ना, अच्छे लग रहे हैं ना, ये भी अच्छा बेटा शूज, मैं सोच रहा हूँ दोनों एक ही एक वो। दिखाओ, तो देखो ये भी तो अच्छा है, आप बताओ ना, दोनों ले तक हो रहा, बस तो यहीं तक ही आएगा जूता, आपको नेल्स में तो नहीं चुभ रहा है वो, मेरी गर्ल्स कंफर्टेबल है, कंफर्ट है ना कुछ। गाइस, जूते ले लिए इसने, अब हम जा रहे हैं। देखो मैंने मम्मी के लिए ले लिए गज्जक, मम्मी के लिए, हाँ तो नानी के लिए, अपनी मम्मी, मेरी मम्मी, देखो तो ये भेज देंगे हम घर अभी। अब हम रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पीना है जूस, फिर उतरना यार, मेरे को आज गाड़ी में पिलाओ, जाओ मिक्स। मयू आप, मैंने तो बोल दिया अंकल को, अंकल मैंने बोल दिया ना, ये यार मयू लटकते क्यों रहते हो आप, बैठ जाओ नीचे, पापा कहाँ है, गया मेरा पपाया शेक, मैं भी आऊंगी पपाया शेक।
मैं यू पी रहा गाइस स्ट्रॉबेरी, पता नहीं इसको क्या क्या अलग सा पसंद होता है सबसे। मैंने पिया पपाया, इसने पिया स्ट्रॉबेरी और इसके पापा ने पिया बनाना और मिक्स जूस। बनाना अभी आया नहीं, अभी बन रहा है। ये देखो आराम से बैठ के पी रहा है स्ट्रॉबेरी का। चलो जूस पी लिया है और निकलते हैं अब सीधे घर को। तो गाइस पहुंच गए हैं घर पे और मयन जो है नीचे से खेलने चला गया है। गाइस अभी हो गई है रात और आज हमने गाइस जाना है शादी में, क्योंकि हमें आया था इनविटेशन। तो इस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला ब्लॉग मेरा वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले ब्लॉग में जब आप देखोगे फ्रेंड्स, तो वो हमारा शादी वाला ब्लॉग देखोगे। हमें कहीं इन्विटेशन, हम उधर जा रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कल हम फिर मिलेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।